वेरी गुड। अब ये बताओ, एकदम क्लियर आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना देखने में? एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा ये सेट हो गया ना? बस चलो ठीक है। हाँ, रचना यादव जी जुड़ चुकी हैं, संध्या, ध्रुव, सोनम और या रिसु हैं, कविता, राजपूत, हिमांशु, तो सभी बच्चे आ गए हैं। हम सभी शुरू करेंगे आज एक नया चैप्टर, जिस अध्याय का नाम है लीनियर इक्वेशन। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लीनियर इक्वेशन, मतलब जानते हो बच्चा लोग? इसको बोलते हैं भैया रैखिक समीकरण। ये बताओ आवाज़ ठीक है कि नहीं? इधर बताओ आप लोग जो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे हैं बच्चे, आवाज़ ठीक है एकदम? आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? शालिनी रंजन, सुबोध यादव, अनुराग जी, सब कुछ ठीक है ना? आगे चलें, आगे चलें, सब ठीक है ना? मस्त है, चलो ठीक है। हाँ, तो अगर वॉइस वगैरह लो होगी तो बता देना, चूंकि डबल माइक्रोफोन नहीं है, एक से ही दोनों का काम चल रहा भाई, तो हो सकता है एक में आवाज़ धीमी हो। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। आज एक नया चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग कोई जिनको पता है रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल दीजिए। चलिए बताइए, आप लोग कोई बताइए, गुड्डू कुमार आप ही बताइए, रैखिक समीकरण का कोई एग्जाम्पल बताइए आप लोग। देखो, रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है भैया कि वो समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक होती है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। वो समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक होती है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। देखो ध्यान दो इधर साइड में। हाँ, आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही यार, एक मिनट रुक जाओ भाई। देखो दोनों में कुछ, अब कुछ सही हुआ? ठीक है, अब आवाज़ ठीक आ रही? बताइए सही है भाई? देखो एक में तो आ रहा बाबू यार, एक में नहीं आ रहा। समस्या ये है कि माइक्रोफोन एक है, एक और लाना है, जल्दी ही हम लाते हैं, और लाइव दो चैनल पे चल रहा है तो माइक्रोफोन एक है। ठीक हो गई उमा शंकर सर जी? ठीक हो गई साक्षी सिंह, संपत राजपूत, विकास, अब क्लियर है ना वॉइस? ठीक है, चलो सबसे पहले हम ये जानते हैं समीकरण आखिर क्या होता है। समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है? आप सभी को मैं इसके पहले भी पढ़ा चुका हूं, एक ऐसा बीजीय संबंध, एक ऐसा बीजीय व्यंजक का संबंध जो अज्ञात राशि के किसी एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाइड होता है वो समीकरण कहलाता है। लेकिन अब बात आती है द्विघात समीकरण और लीनियर इक्वेशन। देखो इसमें हम सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, बाकी इनके और भी समीकरण के प्रकार होते हैं, 3 घात, 4 घात, ढेर सारा होता है, ध्यान दो। तो जो रेखीय समीकरण होता है, रेखीय समीकरण, इसकी अधिकतम घात एक होती है, इसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन, ध्यान दो इधर साइड में। द्विघात समीकरण से हम कंपेयर करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो यहाँ पे बात पक्की क्लियर कर लो इधर साइड में, उधर बता देना भाई अगर आवाज़ क्लियर नहीं होगी तो, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोफोन नहीं लगा है, कुछ दूसरा जुगाड़ है। इधर साइड तो दिक्कत नहीं होगी, चैनल नंबर 3 पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर माइक्रोफोन लगा हुआ है, सही है। देखो जैसे मैंने एक समीकरण, देखो यार बोलता क्या है नाम, चल रहा है। हाँ, द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल देखो, यक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, चल रहा कि नहीं? इधर आप लोग बताओ,
देखो जो द्विघात समीकरण है उसमें यक्ष की अधिकतम घात दो है। क्या है भैया? एक्स की अधिकतम घात दो है। किरण कुमारी ने बिल्कुल सही बताया था, सविता उपाध्याय, सोनम यादव, ठीक है सबका। रंजना देवी ने कमेंट में पता नहीं क्या डिलीट कर दिया भैया, तो जिनके कमेंट आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ। देखो इधर साइड में, इसके अधिकतम घात कितनी है? एक्स पे अधिकतम घात 1 है, इसमें यक्ष की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 2 है ना? यही सही। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहो फटाफट सभी बच्चे, अगर कोई दिक्कत होगी तो निसंकोच बता देना कि हाँ नहीं चल रहा है। भाई कमेंट करते रहो ना यार, तभी तो पता चलेगा। अब यहाँ पे मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है। लाइव में यही सब तो टेंशन रहता है यार, 25 टेंशन रहता है ऊपर नीचे। तो वो समीकरण जिसकी यक्ष की अधिकतम घात 1 होती द्विघात समीकरण होता है, और वो समीकरण जिसकी यक्ष की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है। रेखीय समीकरण में यक्ष के सिर्फ एक मूल होते हैं, जबकि द्विघात समीकरण में यक्ष के दो मूल आते हैं। द्विघात समीकरण में क्या होता भैया? यक्ष के दो मूल आते हैं। कितने आते हैं? दो मूल आते हैं। अंजलि पाल कभी कभी रुक जाता है, इंटरनेट का इशू है, इधर साइड से भी कुछ गड़बड़ कर रहा है तो इस वजह से रुक रहा है, परेशान मत होइए। चलिए अब अगर इसमें हम एक और समीकरण दें, आप लोग बताओ, जैसे यक्स प्लस 3x+7=0, ये द्विघात समीकरण है कि रैखिक समीकरण है? आप लोग बताओ, चलो सभी बच्चे बताओ। अगर ये द्विघात समीकरण है तो आप लोग क्यू लिख के कमेंट करोगे, अगर ये रैखिक समीकरण है तो आप सभी एल लिख के कमेंट करोगे। क्यू मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एल मीन्स लीनियर इक्वेशन। जवाब दीजिए, क्लियरिटी तो आ रही ना, एकदम मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सोनम यादव, मनीष, एम आर कुमार, पूजा यादव, रितेश, अरविंद, सब कुछ ठीक चल रहा है ना भैया? किसी को कोई इशू नहीं है ना? मैंने पूछा अगर ये द्विघात समीकरण है तो आप क्यू लिखोगे, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो यल लिखोगे। देखो यार सिंपल सी बात है भाई साहब, कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें ना, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैंने पूछा अगर ये द्विघात समीकरण है तो आप क्यों लिखोगे, अगर ये लीन आवाज़ एकदम मस्त है, सब कुछ ठीक है। अभिषेक तिवारी, प्रियंका गुप्ता, खुशबू गुप्ता, प्रियंका मौर्या, देखिए इन लोगों ने, कुछ लोगों ने सही बताया है यहाँ पे, इसका मतलब समझो, दिख तो रहा है नीचे तो मैं जोड़ सकता हूँ ना। तो भैया 3 में 1x जोड़ोगे तो बच्चा ये 4x हो जाएगा, -7=0। इसमें यक्ष की घात बढ़ेगी नहीं, यक्ष की घात बढ़ेगी नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है। यल सही होगा, क्यू वाले गलत हैं, क्यू वाले गलत हैं। यहाँ पर पहले आप पूरी बात को क्लियर करो, पूरी बात को क्लियर करो, कैसे क्या है उसको समझो। ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत ना? तो चलो देखो, यक्ष की जो घात है, या फिर इसमें यक्ष हम नहीं बोल सकते, यानी जो अज्ञात पद है उसकी अधिकतम घात 1 ही होनी चाहिए। 1 से अधिक होगी जब तभी द्विघात समीकरण होगा, अगर द्विघात होगी तो द्विघात होगा, 3 घात होगी तो 3 घात होगा, ठीक ना? जितनी ज़्यादा घात होगी वो वही समीकरण होगा उसी प्रकार का। देखो अब ये मैं मिटा के कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, उनमें आप ध्यान दो, पहले तो आप पहचानना सीख लो। हाँ पहले तो पहचानना सीख लो। अच्छा एक और देखो इधर साइड में बच्चे, देखो जैसे अगर ये 3x लिखा है और प्लस का 9 है इक्वल 0, तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्यों है भैया? इसलिए है क्योंकि इसमें यक्ष की अधिकतम घात 1 है। एक्चुअली होता क्या है, जो चर पद होते हैं वेरिएबल, यानी ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर होते हैं उनमें अगर कोई घात नहीं लगी होती है तो हमेशा 1 मानी जाती है। हमेशा क्या मानी जाती है? घात 1 मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो इस तरह यहाँ पे घात 1 है तो ये रैखिक समीकरण है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता 13b और प्लस यहाँ पर लिखा होता 9=5, तो बताओ ये रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण है? बोलो, अगर ये रैखिक समीकरण है तो आप बोलो यल, अगर द्विघात है तो क्यों? चलो बताओ, इसको बताओ। देखो यहाँ पर
आपको ये नहीं देखना कि केवल यक्ष हो भाई, समीकरण का मतलब सिर्फ यक्ष से ही नहीं होता है, कोई भी वेरिएबल हो। देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे अगर यहाँ पर आपने लिख लिया बच्चा एक समीकरण के बारे में बात करें तो 2a और प्लस 3 बराबर 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है भाई। लीनियर इक्वेशन का मतलब या कोई प्रकार का इक्वेशन, ये नहीं जरूरी कि उसमें x और y हो, a से लेके z तक के बीच का कोई भी लेटर हो, कोई भी लेटर हो वो समीकरण बन सकता है। लेकिन अच्छा ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको दिखाते हैं, आप लोगों को पहचान आनी चाहिए। ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें सब में एक घात एक ही है, क्या है, 1 घात है। तो भैया जो बच्चे PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर जुड़े हैं वो PBR स्टडी 3.0 चैनल पर आ जाओ बच्चा, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, जिससे 100-200 की संख्या दिखेगी तो अच्छा क्लास चलेगी। हाँ तो सभी बच्चे YouTube पे जल्दी PBR स्टडी 3.0 सर्च करके फट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इस पे आ जाओ, अच्छा रहेगा, सभी बच्चे आ जाओ जल्दी से। चलिए अब क्या होगा, क्योंकि दोनों पे एक समान लाइव चल रही, वही चल रही, सब पे वही चल रहा है। अगर हम इसमें a से गुणा कर दें तो क्या ये रैखिक समीकरण रह जाएगा, बताइए। अगर हम इसमें a से गुणा कर दें तो क्या ये रैखिक समीकरण रह जाएगा, बोलो। अगर आपको लगता है हाँ ये रैखिक समीकरण तब भी रहेगा तो बोलो यस, अगर लगता है नहीं तो बोलो नो। चलिए जवाब भी आ गया, संध्या कुमारी का, भारती भगत, अमित, रंजना देवी और कोई एनीवन, बोलो जवाब दो। ये एक रैखिक समीकरण था 2a + 3 = 0, हमने इसको a से मल्टीपल कर दिया, तो अब बताओ क्या अब भी ये रैखिक समीकरण बना रहेगा कि नहीं। सभी बच्चे जवाब दो फटाफट, देर मत करो, एक भी सेकंड का देर मत करो। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई किरण कुमारी का उत्तर आ गया, मनीष वर्मा का भी आ गया, खुशबू गुप्ता, सभी का आ गया। देखो एक्चुअली पहले आप लोग मतलब समझो, कंसेप्ट सीखो। अगर इसमें आप a से मल्टीपल करोगे तो होगा क्या, बताओ क्या होगा भैया। a से इसमें मल्टीपल करोगे तो ये बन जाएगा 2a² एंड ये 3a बन जाएगा इक्वल 0। इसमें a की मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी, a मीन्स वेरिएबल्स, तो ये द्विघात समीकरण तो फिलहाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये अब ये रैखिक समीकरण नहीं रहा, ये रैखिक समीकरण नहीं रहा कि है भाई, इसकी घात बढ़ गई ना, 2 घात हो गई तो रैखिक समीकरण नहीं रहा। लेकिन क्या ये द्विघात समीकरण है, लेकिन क्या ये द्विघात समीकरण है, बोलो। हाँ जिन बच्चों को लगता है ये द्विघात समीकरण है वो क्या बोलेंगे, अब वो बोलेंगे बी, जिन लोगों को लगता है वो बी, जिन लोगों को लगता है नहीं है वो एच। जिन लोगों को लगता है ये द्विघात समीकरण है वो बी लिखेंगे, जिनको लगता नहीं है वो एच। ये सिंबल मैं समझने के लिए यहाँ पे बोलता हूँ, जिससे थोड़ा सा डिफरेंस जनाई पड़े। हाँ द्विघात समीकरण है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं। हाँ चलो चलो क्लियर करो, क्लियर करो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत होगी तो निसंकोच बता देना। ठीक है बहुत अच्छे भैया, KB का भी उत्तर आ गया, रोली कुमारी, अर्चना, नीतू, चलो चलो क्लियर करो। चलिए ठीक है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, इधर साइड समझने की कोशिश करिए। आप लोगों ने कहा कि ये द्विघात समीकरण है, हाँ आप लोगों ने कहा ये द्विघात समीकरण है, भैया कैसे है ये तो मुझे नहीं पता, कंफ्यूज कर दिया आप लोग। हाँ आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है, ये होता है ना, जहाँ c कोई अचर पद होता है और a और b जो है क्या होते हैं, कोई एक पूर्ण संख्या होती है। तो फिलहाल हमारा आज टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इससे हमसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है फिलहाल। लेकिन ये
आप लोग सोचना विचारना और बताना, ठीक है? द्विघात समीकरण वाले में इसको क्लियर करेंगे, तो आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट होगा तो बता देना। आगे चलते हैं, अब आपके बुक में कैसे क्या है उसको देखते हैं। हाँ, उसमें द्विघात वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, बस इतना जान लो। अब आपके बुक में क्या है, चलो उसमें आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बुक का देखता हूँ जिससे कि ज़्यादा अच्छा रहे, हम आपके किताब के अनुसार चलें। रेखीय समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि इसमें बहुत ही आसान है, इनको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे देखिए, समीकरण है आपके किताब में है, ये आपके परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है जो DLED का सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। ध्यान दो, उदाहरण है, ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है बुक में, कह रहा है कि समीकरण यक्स प्लस 8 इक्वल 9 को हल कीजिए, यानी 19 है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। आप लोग इसमें हमें यक्स का मान बताओ। हल कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए, बताइए कैसे करोगे? भाई सिंपल सी बात है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ इनके उत्तर की जांच भी करना है, ठीक ना? अब ध्यान दो, ये रैखिक समीकरण है, DLED के सिलेबस में है, ये फालतू का चीज़ नहीं हो रहा है। अब ध्यान दो कैसे, अंजलि मिश्रा ने 11 बताया है, बिल्कुल सही है। यक्स इक्वल 19 माइनस का 8। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये नंबर इधर है उधर जाएगा दूसरी साइड, तो इधर का चिन्ह बदल जाएगा, इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हो गया, तो यक्स की वैल्यू 11 हो गई। क्या हो गई भैया? 11 हो गई। ये हल तो मैंने कर लिया, लेकिन इतने में काम नहीं बनने वाला है, कह रहा कि उत्तर की जांच भी करो। भाई CBI जांच करवाओ इस आंसर की, सही है गलत है। चलो हम लोग करके देखते हैं, तुरंत करते हैं। यहाँ पे लिखो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच मतलब गलत लगा है कि सही लगा है, कैसे जांच करोगे? सवाल लिखो यक्स प्लस 8 इक्वल 19, हमने जो आंसर निकाला था 11 निकाला था, यक्स की जगह पे 11 रखो, प्लस 8 इक्वल 19। आपको दिख रहा है कि 19 इक्वल 19 आ गया, नीचे लिखो LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS लिखो, LHS इक्वल RHS, अतः हमारा उत्तर सही है, यक्स का मान क्या होगा? 11 होगा। ये उत्तर की जांच है। इस तरह से अगर एक और सवाल दें तो उसका आप लोग जवाब दीजिए, इसी में अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दें हम बीच में तो ये सवाल का सारा सिस्टम बदल जाएगा, और फिर आप लोग हमें आंसर बताओ। चलो अगर हम इसमें माइनस का 15 लिख दें तो इसका उत्तर कितना आएगा एक्स का मान? चलो जवाब दो फटाफट, बताइए। प्रीतम सिंह, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर ये 5वां मान लो, कुछ भी डाल दो इसमें, मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। गुड्डू कुमार, ध्रुव, सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी करो। प्रीतम सिंह का आंसर आ गया माइनस का 23, ध्रुव का आ गया माइनस 7, और कोई? भाई एक्स की वैल्यू फाइंड करो, जल्दी करो। रिशु, उजाला, प्रतिभा पासवान, भाई संध्या कुमारी आप थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए ना। चलिए कितना आएगा, एक्स इक्वल माइनस का 15, और ये माइनस हो जाएगा जब उधर फाइट जाएगा, यहाँ पे प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से यक्स का इक्वल माइनस का 23 कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। नोट कर लो, इसको छाप लो, सभी बच्चे फटाफट लिख लो। इतना हो गया, आगे चलें बढ़े। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसकी उत्तर की जांच करना है तो कैसे करेंगे? चलो देखो उत्तर की जांच लिखो, उत्तर की जांच हेडिंग लिखो एक्स प्लस 8 इक्वल माइनस का 15, यक्स का मान माइनस 23 आया रखो, प्लस का 8 बराबर 15, ये प्लस माइनस घटेगा तो माइनस 15 बराबर माइनस 15 दोनों बराबर आ रहा है, लिख दो LHS इक्वल RHS, अतः ये उत्तर सही है।
ठीक ना, समझ गए? तो इस तरह के सवाल आप लोग कर लेंगे, और वैसे हमें लगता है इसमें और कुछ है भी नहीं। लीनियर इक्वेशन में सिर्फ यही दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। एक छोटका सा सवाल दिया है एकदम नन्ना भर का, ये क्या कह रहा है देखो, यक्स माइनस फाइव इक्वल टेन, तो यक्स का मान बताओ, बताओ, एकदम छोटा सा है। प्रियंका गुप्ता जी, कुछ समझ में आ रहा है कि आज नई नई क्लास में आप जुड़ी हैं तो आपको ऐसे ही ऊपर ऊपर से जा रहा सब? आ रहा समझ में ना? इसमें तो आप लोग x का मान निकाल लोगे फटाफट, जल्दी से बता दो भैया। देखो उत्तर भी आ गया, रिशु का आ गया, रोली का आ गया, यादव जी का आ गया, प्रीतम, उजाला, श्रुति, सबका आ गया। और कुछ बच्चे अभी देख रहे हैं कि कोई बता देगा तो हम भी बता देंगे देख के, तो भैया ये इंतजार में मत रहो कि कोई बताएगा तभी बताओगे, आप भी कुछ करो, आप भी कुछ करो, खुद से भी कुछ करो, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, उसको भी तो देखो ना। हाँ, कविता राजपूत का भी आ गया, साक्षी सिंह, रमेश, खुशबू, सबका आ गया। तो इसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं है, यक्स इक्वल टेन इधर जाएगा, ये पाँच हो जाएगा भैया, पंद्रह आ जाएगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, तो मजबूरी है, करवा रहे हैं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब आगे क्या करेंगे हम लोग? हमें लग रहा है इस चैनल पे भाई क्लियर नहीं आ रहा है क्या? पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे जो बच्चे हैं उनको क्लियरिटी मिल रही कि नहीं, अच्छा दिख रहा कि नहीं? अब कुछ अलग तरह का सवाल हम लोग करेंगे, थोड़ा सा अलग तरह का, मतलब चेंजिंग होनी चाहिए ना, चेंजिंग होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सवाल नंबर यहाँ पे डाल दो, नौवा नंबर है इसमें से, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है। हाँ देखो यार, सब तो बता रहे हैं ठीक है, और कुछ बता रहे हैं नहीं ठीक है, तो मैं क्या करूँ? देखो यहाँ पे ध्यान दो, अरे यार चैनल नंबर तीन पे क्लियर है, दिक्कत होगी तो एक पे होगी। अगर हम बोलें कि 4x इक्वल 24 है तो x का मान क्या होगा? ये भी लीनियर इक्वेशन है, जवाब दीजिए। इस पे ज़्यादा बच्चे हैं, ब्रजेश यदुवंशी बताइए, साफ दिख रहा कि नहीं भैया, एकदम क्लियर आ रहा कि नहीं? अब हमारे यहाँ तो क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि हमारा इंटरनेट लग रहा कुछ गड़बड़ है। हाँ बताइए, जवाब दीजिए। कोमल यादव का उत्तर आ गया, सुनील कुमार, राहुल कुमार, अमित कुमार, और कौन है भैया, रिशु, ध्रुव, संध्या, सबका उत्तर आ गया, और ये क्लियर इसमें दिख रहा है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना वो थोड़ा सा दिमाग के ढील हैं, मैं उन्हीं को देखने के लिए बोल रहा था कि किसका क्लियर नहीं है। सारी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, कुछ प्रॉब्लम आपके पास भी है। यहाँ से यक्स का वैल्यू फाइंड करोगे, ये 24, ये 4 इधर जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल में है ना एक्स के, तो इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा बच्चा ये, तो यक्स की वैल्यू कितना आएगी? अरे 4 6 24 होता है तो 6 आएगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। जो बच्चे चैनल नंबर एक पे देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे PBR स्टडी 3.0 सर्च करके आ जाएं, जिससे कि हम उनका कमेंट पढ़ें, नहीं तो वहाँ पे हम कमेंट नहीं पढ़ रहे सब में। इसी तरह का मैं एक और सवाल देखा था, कुछ अजीब टाइप का था वो, उसको भी मैं लिखने वाला था लेकिन इधर ये नौटंकी शुरू हो गई इसकी, इसलिए नहीं लिखा, तो उसको मैं लिख रहा हूँ। सभी बच्चे जल्दी से, तब तक क्लास को लाइक करो भाई, जल्दी करो, देर मत करो, सभी बच्चे क्लास को लाइक करो, अब देर मत करो, बहुत जल्दी करो भाई, मतलब अगर ना बोलें तो आप लोग कुछ समझते ही नहीं हो तो मैं क्या करूँ, मजबूरी है, बोलना पड़ता है, बाकी अच्छा तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल कहना। जल्दी सभी बच्चे लाइक करो फटाफट, तुरंत करो, देर नहीं, नहीं तो फिर हम अगला सवाल ही नहीं लिखेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे, नहीं भाग जाएंगे बस, और क्या करोगे। जल्दी करिए, निवेदन है आप सबसे, जिससे कि आपकी क्लास बेहतर चल सके, मुझे चिल्लाना ना पड़े इधर साइड में, सभी बच्चे करेंगे। ये एक अलग प्रकार का इक्वेशन है, ये एक अलग प्रकार का इक्वेशन है, इसको कैसे करोगे, जवाब दो सभी, कैसे करोगे इसको भैया? हाँ कैसे करोगे? एक्स अपान 6 = 7 कैसे हल करोगे? कोशिश करके बताओ, सोचो एक बार,
बहुत आराम से कर लोगे इसको प्यार से। बिल्कुल भैया, ध्रुव का उत्तर आ गया। श्रुति तिवारी, पीवीआर स्टडी, अमित सिंह। देखो भैया, जो नाम लगाए हैं अपने नाम में पीवीआर स्टडी ना, वो हमारे बड़ा ही दिल के करीबी स्टूडेंट हैं। अब चलो आगे देखो, इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 1 का x में करोगे तो यक्स, और 6 का 7 में करोगे तो आपको पता है कि 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है, 42 आ गया। यही तो सही है ना, यही तो सही है ना। चलिए, तो इस तरह से आप लोग इनके मान निकाल लोगे। रैखिक समीकरण में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ तब बनता है जब स्टोरी प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन वाली समस्या आती है। अब आप सभी अपना दिमाग और कान दोनों खोल के सुनना, दिमाग और कान दोनों खोल के सुनना। जो सवाल बताने जा रहा हूँ बड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनो। वो क्या है, कह रहा है सवाल, ध्यान से सुनो, सोनम की मम्मी ने सोनम को कुछ रुपए दिए। अब ध्यान से सुनना, सोनम की मम्मी ने सोनम को कुछ रुपए दिए और पापा ने भी 100 रुपए दिए। अब पहले सुनो क्या है, पहले है कुछ रुपए दिए, कौन दिया, मम्मी ने दिया, और फिर पापा ने 100 रुपए दिया, और अब सोनम के पास 150 रुपया हो गया। कितना हो गए, 150। तो बताइए कि मम्मी ने कितने रुपए दिए थे। इसके लिए हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और निकालना है। चलिए आगे बताइए, जल्दी करिए, जवाब दीजिए। अरे जिसके, हम किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, सोनम जी ध्यान से सुनिए। और लोग क्या आए हैं, तमाशा देखने आए हो? अब मुझे क्या पता इसमें कोई सोनम है कि नहीं है, लेकिन आप मतलब समझो यार, सब चीज़ का गलत है, मतलब मत निकालो। कितना रुपए दिए, 50 रुपए। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, समझदार हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं कर लोगे जैसे कर लिए। इसको कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, ध्यान से लिखोगे। कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखो, माना सोनम की मम्मी ने यक्स रुपए दिए। कितने रुपए दिए, यक्स रुपए दिए, या फिर ऐसे, मम्मी ने रुपया दिए बराबर यक्स, और पापा के द्वारा दिए गए रुपए बराबर कितने, 100। अब प्रश्नानुसार देखो, एक रैखिक समीकरण बन रहा है। प्रश्नानुसार क्या होता है कि कुल मिला के 150 रुपये हो जाते हैं, यानी मम्मी का दिया पैसा और पापा का दिया पैसा मिला के 150 हो जाता है। ये बन गया रैखिक समीकरण, बात समझ में आई ना। तो ये स्टोरी प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा सा आपको सुनना पड़ता है, ठीक, और समझना पड़ता है। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालोगे तो 150 माइनस 100, तो यक्स इक्वल कितना आएगा, 50। यानी मम्मी ने कितना रुपए दिए थे, 50 रुपए दिए थे। चलिए, मम्मी का दिया हुआ 1 रुपया भी बहुत बड़ा होता है, 50 रुपए तो बहुत है। अब देखो यहाँ पर एक और सवाल है, वो थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ध्यान से सुनना और दिमाग लगाना। जिनको भी डीएलएड में पूरे नंबर लाने हैं 25 में 25, क्योंकि ये रैखिक समीकरण ऐसे नहीं दे देगा कि एक्स प्लस 100 बराबर 50, एक्स का मान निकालो, ऐसे दे देगा तो सब पास हो जाएंगे, फिर बैक किसका लगेगा। तो हो सकता है आपको स्टोरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आ जाए रैखिक समीकरण में, तो उसी में लटके रहोगे, सोचते रहोगे। हाँ, बहुत जल्दी मिटा देते हैं, वीडियो को थोड़ा सा 2 सेकंड पीछे कर लीजिए, इसे टच करके 2 बार ठोंक के पीछे हो जाएगा, हाँ फिर से आ जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए। सवाल को ध्यान से सुनो, कान से सुनो, दिमाग से सोचो। एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए। भाई दो बार बोला, एक बार फिर से सुन लो। एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए, इनमें से कुछ आम के तथा कुछ अमरूद के पौधे थे।
इनमें से कुछ आम के तथा कुछ अमरूद के पौधे थे। इतना पक्का है? अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। फिर से सुनो, अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। जो कॉपी पेन लिए वो पढ़ेंगे, जो ऐसे तमाशा देख रहे हैं उनके तो ऊपर से उड़ जाएगा, मालूम नहीं चलेगा क्या बोला। अब आगे सुनो, आम तथा अमरूद के पौधों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप लोग छोटा बड़ा नहीं पढ़ोगे कि हम यहाँ पे लिखें पूरा एक तरफ से, हम नहीं लिखेंगे, हम सब नहीं लिखेंगे, बोल रहे हैं दो दो बार चार चार बार, इतने बड़े बड़े हो गए हो लिख नहीं सकते हो क्या? एक बार फिर से सुन लो, मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो। एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में कुल 102 पौधे लगाए, इनमें से कुछ आम के पौधे थे तथा कुछ अमरूद के पौधे थे। अब कह रहा है कि अमरूद के पौधों की संख्या जो है आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों के 3 गुने से 2 अधिक थी। देखो वो ध्रुव ने कुछ बनाया है, लगभग सही बनाया है। तो पूछ रहा है आम और अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग बताओ। आम अमरूद तो सब लोग खाते होंगे, अभी आपने माननीय मोदी जी का इंटरव्यू देखा था कि आम को काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो आप लोग कैसे खाते हो? चलो यहाँ पर पहले पूरा मतलब समझो शुरू से, ध्यान दो। अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों के 3 गुने से 2 अधिक थी। अमरूद के जब पौधों की संख्या थी वो आम के पौधों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक थी। तो बच्चा क्या करोगे, पहले आम कमानोगे। हाँ, आम के पौधों की संख्या के, तो लिखो माना आम के पौधों की संख्या बराबर, माना आम के पौधों की संख्या बराबर यक्स। माना आम के पौधों की संख्या बराबर कितना? यक्स। अब आगे क्या करोगे, ध्यान दो इधर साइड में, नीचे क्या लिखोगे? अमरूद के पौधों की संख्या बराबर, अमरूद के पौधों की संख्या बराबर कितना होगी? यक्स का 3 गुना से 2 अधिक। तो बच्चा यक्स का 3 गुना मतलब यक्स गुणा 3 × 2, ये अमरूद के पौधों की संख्या है। अरे इसको आगे हल कर लोगे एक आध दो लाइन तो ये 3x 2 हो जाएगा। हाँ, फिर आगे क्या कह रहा है कि गांव वालों ने कुल 102 पौधा लगाया था। कितना लगाया था? 102 पौधे लगाए थे। तो लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल पौधे लगाए थे बच्चा कितना इन्होंने? x+3x+2=102। भैया आम का पौधा अमरूद का पौधा जोड़ के 102 पौधा लगाया था गांव वालों ने, लेकिन आजकल तो इसमें अच्छा ही नहीं लगता पौधा उधा लगाना, क्योंकि ये सब घाटे का काम है, फायदे का काम है, शहर में आके ड्यूटी करना, खेती घाटे का काम हो गई भारत में। चलो फिर इनको जोड़ोगे तो ये 4x हो जाएगा +2=102, तो ये 4x = कितना हो जाएगा? 102 - 2। तो बच्चा x बराबर निकालोगे भैया तो क्या आएगा? यार बड़ा ही तो गड़बड़ आ रहा है यार, कितना आएगा, कितना आएगा बताइए? हमारा तो लग रहा है अटक जाएगा का, ये ऊपर लगाएं क्या, कितना आएगा? आप लोग x की वैल्यू बताओ। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं, आम तथा अमरूद के पौधों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पहले x का मान आना चाहिए, पहले x का मान आना चाहिए ना, ठीक है? तो ये हाँ ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये भैया यक्स बराबर आएगा 100/4, मतलब कुल मिला के 25 आएगा, 25 आया ना, यानी कि आप ऊपर क्या लिखोगे,
अब मैं मिटा के लिखूंगा, उसी में बना लूंगा थोड़ा बहुत इधर उधर जुगाड़ लगा के, लेकिन मिटा ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि अपना लिखे तो नहीं हो। ऊपर लिखो, अब लिखो, अतः आम के पेड़ों की संख्या यक्स बराबर 25। आम के पेड़ों की संख्या यहाँ पे लिखो, अतः आम के पेड़ों की संख्या एक्स बराबर 25 तथा अमरूद के पेड़ों की संख्या 3x प्लस का 2 इक्वल, हल करो x का मान रख के। तो भैया ये 3 का 3 रहेगा, इसे इज्जत के साथ लिख लो, x की जगह पे 25 लिख लो, धन 2 लिख लो, 25 तिहाइयाँ 75 होता है। अब जो बच्चे पहाड़ा नहीं जानते हैं वो भगवान भरोसे हैं। तो अमरूद के पौधे 77 थे, आम के पौधे 25 थे, दोनों को जोड़ो 102 हो रहा कि नहीं हो रहा, इसे हो गया सब कहानी। दोनों को जोड़ो 102 आ रहा कि नहीं, यादव जी क्या आ रहा है? आ रहा है 102। ठीक है, तो फिर आज की इस क्लास का टाइम भी यहीं पे ख़त्म हो गया। जो बच्चे पूरा क्लास करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और आज ही जाके वहाँ से कोर्स इनरोल करें, जिससे कि वो पूरा पढ़ पाएँ जल्दी से जल्दी। PBR ऐप में पूरा कोर्स उपलब्ध है। बाकी रेगुलर क्लास के लिए हर रोज़ रात्रि 9 बजे से लाइव जुड़ें। हाँ देखो, कभी कभी इंटरनेट इशू हो जाता है तो बफरिंग हो जाता है कुछ सेकंड, तो आपसे निवेदन होगा इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है, इंतज़ार कर लिया करिए। हाँ यार, होमवर्क वाली बात तो है, तो मैं क्या बताऊँ यार, होमवर्क अगर लिखोगे भैया तो इसी भर का होगा, जो बीच में 10 मिनट बचता है वो होमवर्क में ही चला जाएगा। अच्छा लिख लो होमवर्क, लिख लो, लिख लो, बड़ा उम्मीद से बोले हो, लिखो होमवर्क, लिखो एक्स के मान निकालना, एक्स प्लस 9 इक्वल माइनस का 1। दूसरा लिखो इसमें का ए बी यक्स प्लस माइनस का 3 बराबर 7। होमवर्क लिखो ईमानदारी से, सभी लिखेंगे कोई जाएगा नहीं। देखो ये क्लास 7 का बच्चा है जो होमवर्क के लिए बोल रहा है भाई, और आप लोग डपोंगर जैसे हो गए हो, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते हो कि होमवर्क भी दे दीजिए। नोट करिए फटाफट, चेक नहीं करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर चेक करेंगे, पहला नंबर तो मैं इतने अच्छे से बताया रहता हूँ आपको, सबको आ जाना चाहिए, ये इतना अच्छे से बताया रहता हूँ, सबको आ जाना चाहिए। चेक भी करेंगे, सब इकट्ठा चेक करेंगे, जिस दिन उस दिन मार पड़ेगी, सब चेक करेंगे, एक दिन में सब चेक कर लेंगे। द्विघात समीकरण भी मैंने कल पढ़ाया था, इसको भी करना, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी पढ़ाया हूँ। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। एक और देंगे बस, कर लोगे ना सभी, सभी बच्चे कर लेंगे ना होमवर्क, लिख लो ईमानदारी से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगली क्लास आपकी 10 बजे से फिर से लाइव हो रही है, तो रात 10 बजे से फिर से सभी बच्चे लाइव आना। देखिए कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं होमवर्क चेक नहीं करते, सारा होमवर्क चेक करेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन बात क्या है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से बताया रहता हूँ, अगर ईमानदारी से करोगे तो सब आ जाएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा। अब आप इतना बड़ा बच्चे तो हो नहीं कि होमवर्क चेक करें, कान पकड़ पकड़ के दो दो थप्पड़ मारें ना, आप लोग समझदार हो, अगर हल करोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, हाथ साफ हो जाएगा जिसे बोलते हैं, और नहीं करोगे तो आप ही खुद ही साफ हो जाओगे, फिर समझ रहे हो ना क्या होगा, क्लास से बाहर हो जाओगे, बैक लग जाएगा, फेल हो जाओगे, बेज्जती होगी, ना उससे बता पाओगे ना उससे बता पाओगे। तो चलो फिर 10 बजे से आओ सभी बच्चे, फिर से 10 बजे से फिर से आओ फटाफट।